इस समय मैं मौजूद हूँ बैकुंठ पुर में। आपको बता दें नदी की कटान से जहाँ ग्रामीण प्रशासन ग्रामीणों को कई वर्षों से मांग थी कि उनकी गांव की नदी से सेफ्टी किया जाए, छोटी गंडक नदी से, वही सेफ्टी के लिए बजट भी पास हो गया। हमारे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर गिर हैं जिससे सेफ्टी किया जाएगा। जो तटीय इलाका है, जो नीचे जो है गाँव की तरफ लगाए जाएंगे कि नदी की जो पानी है वो गाँव की तरफ कटान ना करें। देखिए बैकुंठपुर छोटी गंडक नदी के बिल्कुल सटकर गांव है, जिस वजह से ग्रामीणों को काफ़ी भय रहता है कि उनके घर नदी में विलीन ना हो जाए, क्योंकि जब भी बरसात का मौसम आता है और नदियों में उफान होती है तो कटान तेज़ हो जाता है और कटान तेज़ होने से लोगों को डर बना रहता है। बैकुंठपुर गांव मात्र छोटी गंडक नदी से 50 मीटर के कम दूरी पर बसा हुआ है, वहीं कई लोगों का घर नदी के किनारे तक पहुंच गया, जिस वजह से काफ़ी समय से लोगों का मांग था कि बैकुंठपुर ग्राम पंचायत को छोटी गंडक नदी के कटान से बचाया जाए। अब जाकर बजट पास हुआ और ग्राम पंचायत बैकुंठपुर की सेफ्टी की जा रही है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों का टुकड़ा गिराया जा रहा है, जो बैकुंठपुर ग्राम पंचायत की छोटी गंडक नदी के किनारे इसे रखा जाएगा कि ग्राम पंचायत को बचाया जा सके, लोगों के घरों को नदी में विलीन होने से बचाया जा सके। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान राजकुमार के अथक प्रयास से ये 8 करोड़ का बजट पास हुआ। अब ग्राम पंचायत के लोगों में खुशी है, क्योंकि 8 करोड़ के बजट से अब उनके गांव की जो भी परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और छोटी गंडक नदी से ग्राम पंचायत बैकुंठपुर का सेफ्टी भी हो जाएगा। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रक के माध्यम से लगातार बड़े बड़े गिट्टी, बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे हैं जिससे ग्राम पंचायत की सेफ्टी होगी। वहीं आपको बता दें छोटी गंडक नदी के कटान से कई बार कई घर विलीन भी हो चुके हैं। वहीं बैकुंठपुर के वासियों को काफ़ी खुशी है, क्योंकि इस तरह का प्रयोजन पहली बार बैकुंठपुर को बचाने की पहल की गई है। अब बैकुंठपुर के ग्रामवासी का कहना है कि हम लोगों को हर वर्ष डर लगा रहता था कि जब भी बारिश का मौसम आता है नदी का कटान तेज हो जाता है और घर नदी में विलीन ना हो जाए, लेकिन अब सरकार की इस मदद से हम लोग खुश हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से हम लोग ग्रामीण लोगों के बारे में सोचा है, हम लोगों का घर अब नदी में विलीन होने से बच जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान राजकुमार का कहना है कि ये लंबी लड़ाई थी, ग्राम पंचायत को बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे और सरकार के द्वारा बजट पास कर दिया गया और काम शुरू भी हो गया है, जल्द ही पूरे काम पूरा कर लिया जाएगा और बैकुंठपुर भय मुक्त हो जाएगा, छोटी गंडक नदी से भय मुक्त हो जाएगा और कटान भी नहीं होगा। वहीं अपने क्षेत्र की खबर देखने के लिए हमें फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें।